हाय गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ डिफरेंस टेंसर ऑफ़ टू कनेक्शंस ये टॉपिक हम लोग सेक्शन बी के अंडर भी पहले कर चुके हैं जब हम लोग कनेक्शंस वाला टॉपिक कर रहे थे तो उसमें ये टॉपिक था पर अब कुछ पोर्शन तो वही है पुराने वाला ही सबसे पहले हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि उस टाइम पर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था फिर हम लोग इस टॉपिक को आगे फर्दर कॉन्टीन्यू करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंस टेंसर ऑफ़ टू कनेक्शंस लेट एम बी ए मैनीफोल्ड एम मेरे पास कोई मैनीफोल्ड है एंड डी एंड डी बार बी टू कनेक्शंस ऑन मैनीफोल्ड एम एम मेरे पास कोई सी इन्फिनिटी मैनीफोल्ड गिवन है डी और डी बार कोई दो कनेक्शंस गिवन है मैनीफोल्ड एम के ऊपर देन डिफरेंस टेंसर ऑफ टू कनेक्शंस इन दोनों टेंसरस का सॉरी इन दोनों कनेक्शंस का जो डिफरेंस है ठीक है उसको हम लोग डिफरेंस टेंसर बोलेंगे और उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से ठीक है जिसमें एक्स और वाई क्या है मेरे पास वेक्टर फील्ड्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं ये मेरा फॉर्मूला है ठीक है क्लियरली बी एक्स कॉमा वाई इज़ अ टेंसर सो कैन बी डीकम्पोज एज इंटू स्मिट्रिक एंड स्क्यू स्मिट्रिक पार्ट्स अब जो बी एक्स कॉमा वाई है ये मेरा टेंसर है और टेंसर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें से फर्स्ट पार्ट होगा मेरा स्मेट्रिक पार्ट और सेकेंड पार्ट मेरा होगा स्क्यू स्क्यूसमेट्रिक पार्ट तो डिकम्पोज करने के बाद हम लोग बी एक्स कॉमा वाई को इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें ये है मेरा स्मेट्रिक पार्ट और ये है मेरा स्क्यू स्क्यूसमेट्रिक पार्ट और जो स्मेट्रिक पार्ट है उसका फॉर्मूला ये है फर्दर ठीक है और जो स्क्यू स्क्यूसमेट्रिक पार्ट है उसका फॉर्मूला ये है अब फर्दर मेरे पास एक नोट गिवन है अब अगर सपोज़ क्यूसमेट्रिक पार्ट में जो ये टू है इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी अब राइट हैंड साइड पर वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करो अब बी एक्स कॉमा वाई इसका फॉर्मूला क्या है ये ना इसको मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया डन सिमिलरली बी वाई कॉमा एक्स का भी फॉर्मूला मुझे यही यहाँ पे दोबारा सब्सटीट्यूट करना है बस फ़र्क क्या है यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई आएगा और जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स आ जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई अब इसमें क्या करेंगे हम लोग लाई ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे देन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब अगर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखो इसको कंबाइन करके तो ये मेरे पास क्या बन रहा है टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला बन रहा है तो सबसे पहले ये डी बार की फॉर्म में है तो यहाँ पे टी बार की फॉर्म में आ जाएगा टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला इसके ऊपर बार नहीं है ये सिंपल डी है अकेला तो यहाँ पे सिंपल टी आएगा ओके okay, तो इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये जो इक्वेशन है इससे हमें क्या पता लगता है वी कैन एक्सप्रेस स्क्यू स्मेट्रिक पार्ट ऑफ डिफरेंस टेंसर ऑफ कनेक्शंस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ द टेंसर टी एंड टी बार मतलब जो स्क्यूसमेट्रिक पार्ट है मेरे पास डिफरेंस टेंसर का उसको हम लोग टॉशन टेंसर टी और टी बार इन दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं ओके okay? अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें हमें क्या प्रूव करके देना है कि ये जो चारों पार्ट है ना ये आपस में इक्वलेंट है इक्वलेंट का मतलब कि हम ए पार्ट की हेल्प से बी पार्ट बना सकते हैं बी की हेल्प से हम लोग वापस से ए पार्ट बना सकते हैं सिमिलरली बाकी के सारे पार्ट में भी हमें सेम चीज़ अप्लाई करके देनी है ठीक है तो अब इसका प्रूफ देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए पार्ट की हेल्प से बी पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो अब मेरे पास ए पार्ट क्या गिवन है द कनेक्शंस डी एंड डी बार हैव द सेम जुडेसिक यानी कि कनेक्शंस जो गिवन है मेरे पास डी और डी बार दोनों के पास सेम जुडेसिक ही होगा अगर डी का जुडेसिक जी है तो जी डी बार के पास भी जुडेसिक जी ही होगा ठीक है ये हमें गिवन है अब इससे हमें क्या प्रूफ करके देना है कि जो डिफरेंस टेंसर है एक्स कॉमा एक्स का वो ज़ीरो आना चाहिए डन तो अब हमें ये प्रूफ करके देना है अब सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं लेट एक्स बी यानी टेंजेंट एक्स क्या है मेरे पास कोई टेंजेंट वैक्टर गिवन है एट पॉइंट एम विच बिलोंग्स टू मैनीफुल एम एंड लेट जी बी द जोडेसिक विद इनिशियल वैक्टर एक्स लेट एस एक्सटेंड एक्स अलोंग द जोडेसिक जी बाय लेटिंग एक्स टू बी टेंजेंट टू जी ठीक है अब हमें गिवन क्या है कि कनेक्शन है जो डी और डी बार इन दोनों के पास सेम जोडेसिक है ठीक है अब जोडेसिक का फॉर्मूला क्या होता है डी एक्स मेरे पास कोई टेंजेंट वेक्टर है इसके ऊपर हम लोगों ने कनेक्शन अप्लाई किया डी बार विद रिस्पेक्ट टू सेम टेंजेंट वेक्टर एक्स तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या आएगा ज़ीरो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जुडेसिक वाले टॉपिक में कि जुडेसिक का फॉर्मूला ये होता है सिमिलरली डी के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा अब वापस से डिफरेंस टेंसर का फॉमूला अप्लाई करो डिफरेंस टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये चीज़ आई और इन दोनों की वैल्यू क्या है ज़ीरो तो जीरो सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास फिर से जीरो आ गया जिससे मेरा बी पार्ट प्रूव हो गया देन अब मुझे बी पार्ट की हेल्प से ए पार्ट बनाना है अब बी में मुझे क्या गिवन है ये चीज़ गिवन है और मुझे ये दिखाना है कि जो मेरे कनेक्शन हैं डी और डी बार दोनों के पास सेम जो डेसिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे कनेक्शन डी का जो डेसिक ले लेंगे जी ठीक है और शो कर देंगे कि जो डी बार है उसके पास भी जो डेसिक जी ही है ठीक है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कनेक्शन डी के लिए जो ले लिया डी अब जो डेसिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डेसिक का फॉर्मूला ये होता है डी एक्स एक्स इक्व टू जीरो दूसरी चीज़ हमें क्या आगे बना है बी पार्ट यानी कि बी एक्स कॉमा एक्स क्या है वो भी ज़ीरो है अब डिफरेंस टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई करो ये वाली चीज़ है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो ये क्वेश्चन गई अब ये चीज़ भी ज़ीरो है यहाँ पर एक्स आएगा वाई नहीं है ठीक है ये चीज़ भी ज़ीरो है ये चीज़ भी ज़ीरो है दोनों जीरो हो गई तो यहाँ पे क्या आ गया ज़ीरो अब डी बार एक्स एक्स क्या हो गया जीरो हो गया तो मतलब अगर डी के लिए जो डेसिक जी था तो इट मीन्स डी बार के लिए भी जो डेसिक जी आ गया हमें यही प्रूफ करके देना था ठीक है तो हमें हमने ए पार्ट से बी पार्ट बनाया और फिर वापस से बी पार्ट से ए पार्ट भी बनाया तो मतलब मेरे ये दोनों इक्वेशंस ए और बी आपस में इक्वलेंट हो गए अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है हमें गिवन है बी पार्ट और बी पार्ट से हमें सी पार्ट बना के देना है तो बी पार्ट में हमें क्या गिवन है कि डिफरेंस टेंसर तो बी पार्ट में गिवन है कि डिफरेंस टेंसर है जो एक्स कॉमा एक्स एक वो जीरो है हमें अब क्या प्रूव करके देना है कि ये चीज़ अगर गिवन है तो हमें ये प्रूव करके देना है कि जो सिमेट्रिक पार्ट है डिफरेंस टेंसर का सिमेट्रिक पार्ट एक्स कॉमा वाई ये भी ज़ीरो होगा ठीक है तो सबसे पहले इसका प्रूफ दे देखते हैं तो अब सबसे पहले बी एम्प्लाय सी तो सिंस बी एक्स कॉमा वाई इज अ टेंसर ठीक है ये मेरा डिफरेंस टेंसर है तो हम लोग इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी इक्वेशन जिसमें ये मेरा सिमेट्रिक पार्ट है और ये इसकी वैल्यू है ये मेरा स्क्यूसमेट्रिक पार्ट है और ये इसकी वैल्यू है अब अगर वाई की जगह पे मैं एक्स कर दूं तो ये दोनों आपस में सब हो रहे हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा ये फर्स्ट पार्ट मेरा ज़ीरो आ गया देयरफोर अब अगर ये चीज़ ज़ीरो आ गई तो इट मीन्स मेरी ये चीज़ ख़त्म और ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ जाएंगे बट रिप्लेसमेंट हुई है वाई की जगह पे एक्स ओके okay, ये चीज़ आपस में इक्वल आ गई अब ये चीज़ मुझे गिवन है बी पार्ट में कि ये ज़ीरो है तो इट मीन्स मेरी ये चीज़ भी ज़ीरो हो गई ओके okay, तो ये हो गया बी एम्प्लाइस सी अब सी एम्प्लाइज बी देखते हैं अब ऊपर के पार्ट में हमने प्रूफ किया कि ये चीज़ क्या है इक्वल्स टू ज़ीरो है ठीक है तो इससे हम लोग एक्स की जगह पे वाई भी रिप्लेस कर सकते हैं तो ये मेरा ज़ीरो आ जाएगा सिंस ये चीज़ आपस में ज़ीरो है तो अगर मैं इन दो एक्स और वाई दोनों स्लॉट्स में वाई वाई एक और सॉरी एक और वैक्टर वाई एड कर दूँ तो भी ये टू ज़ीरो ही रहेगा तो मतलब बेसिकली हमने ये चीज़ प्रूफ की यहाँ पे मैंने एक्स को रिप्लेस किया वाई के साथ तो भी ये चीज़ ज़ीरो रहेगी ठीक है अब ये चीज़ ये वाला पोर्शन ले लिया मैंने सबसे पहले एक्स कॉमा एक्स और फिर एक्स और वाई दोनों स्लॉट्स में मैंने वाई वेक्टर को ऐड किया तो भी ये चीज़ ज़ीरो है अब हम आगे क्या करेंगे इसको सिमेट्रिक है और ये बायलिनियर है तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में तो ब्रेक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे चार वैल्यूज़ जिसमें से ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या है स्मिट्रिक हैं तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे स्मिट्रिक है तो हम एक्स और वाई दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं बट नेगेटिव बाहर नहीं आएगा तो यहाँ पे टू आ गया डन अब हमने देखा कि एस एक्स कॉमन एक्स ये तो है ही जीरो तो ज़ीरो हो गया सिमिलरली अगर एक्स की जगह पे मैं वाई भी लिख दूँ दोनों स्लॉट्स में तब भी तो ये ज़ीरो रहेगा बात तो सेम ही है तो मेरी ये चीज़ भी ज़ीरो हो गई टू इधर जला जाएगा तो वो डिवाइड हो गया तो खत्म हो गया तो पीछे मेरे पास ये इक्वेशन बची अब देन हमें ये चीज़ पता है कि ये चीज़ क्या है मेरी जीरो है इससे हम अगर एक्स की जगह पे वाई डाल दें तो भी ये ज़ीरो आएगी ओके फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री इट इज़ क्लियर दैट अगर एस वाला पोर्शन क्या है ज़ीरो है और पीछे अभी हमने प्रूव किया कि ये जो एस वाला पोर्शन है ये किसके इक्वल है बी वाले पोर्शन के तो मेरा मेरी ये चीज़ क्या हो गई ज़ीरो हो गई डन और ये आई किसके थ्रू है इसके थ्रू आई है तो मैंने सी पार्ट की हेल्प से मैंने मेरा बी पार्ट भी बना लिया इट मीन्स बी और सी क्या हो गए आपस में इक्वलेंट हो गए तो अब सिमिलरली मुझे सी और डी के लिए करके देना है ठीक है अब सी पार्ट की हेल्प से डी पार्ट और डी पार्ट की हेल्प से सी पार्ट बनाना होगा ओके तो सबसे पहले हम लोग सी की हेल्प से डी बनाते हैं अगर मैं अपने आ, डिफरेंस टेंसर को मेट्रिक और स्क्यू स्मेट्रिक पार्ट में लिखना है मुझे तो ये इक्वेशन आई ठीक है सी में मुझे क्या गिवन है कि ये चीज़ मेरी जीरो है ये मुझे गिवन है सी पार्ट में तो इसको जीरो सब्सटिट्यूट कर दिया तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए और यही मुझे प्रूफ करके देना था डी पार्ट के लिए डन अब अगर हम लोग बात करें डी इम्प्लायज सी यानी डी से मुझे अगर सी बनाना है तो मुझे ये चीज़ गिवन है अब और मुझे ये बनाना है अब अगर मेरे पास ये डिफरेंस टेंसर का जो चीज़ है ये स्क्यूस मीट्रिक के इक्वल है ठीक है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो सपोज मैंने बी की जगह पे ए की वैल्यू यहाँ पे सब्सिटीट्यूट की है तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक चीज़ क्या होगी कॉमन आ गई तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ठीक है तो पीछे क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्यूस सिमेट्रिक वाला पोर्शन तो ये किसके इक्वल आ गया ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो इस तरीके से मैंने क्या किया मेरा डी इम्प्लायज सी कर दिया तो इट मीन्स अब मेरी जो सी और डी है वो इक्वेशन भी क्या हो गई आपस में इक्वलेंट हो गई अब इसी तरीके से मेरी ये थ्योरम पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई हमने ए पार्ट से बी पार्ट बनाया बी से सी सी से डी और वाई से वर्षा भी किया सारा कुछ अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट द कनेक्शंस डी एंड डी बार आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम जोडेसिक एंड सेम टोशन टेंसर तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ जिसका मतलब है अब हमें इसको कन्वर्सली भी प्रूव करके देना होगा तो सबसे पहले हम लोग इसके सोल्यूशन में क्या चीज़ लेट करते हैं हम लोग लेट करते हैं द कनेक्शन्स डी एंड डी बार आर इक्वल यानी कि मेरे पास जो कनेक्शन गिवन है डी और डी बार ये आपस में क्या है इक्वल है ये चीज़ हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में और इसकी हेल्प से अब हमें क्या प्रूफ करके देना है कि इन दोनों कनेक्शंस डी और डी बार के पास सेम जुडेसिक होगा और इन दोनों के पास सेम टॉर्शन टेंसर भी होगा हमें ये प्रूव करके देना तो इसका सोल्यूशन देखते हैं तो ये चीज़ तो हमने ले ही ली कि लेट द कनेक्शन डी एंड डी बार आर इक्वल ठीक है तो कनेक्शन का फॉर्मूला यही होता है तो लिख दिया जिसमें मेरे एक्स और वाई क्या हैं दोनों मेरे पास वेक्टर फील्ड्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस में से बिलोंग कर रहे हैं वी नो दैट जी बी द जुडेसिक जुडेसिक हमने जी से डिनोट कर लिया इफ़ एंड ओनली इफ डी टी टी इक्वस टू जीरो ऑन जी जो मेरा टी है यहाँ पर वो क्या है टेंजेंट फील्ड है हमें मालूम है कि जोडेसिक का फॉर्मूला क्या होता है यही होता है कि सेम टेंजेंट फील्ड या वैक्टर फील्ड के ऊपर कनेक्शन अप्लाई करो विद रिस्पेक्ट टू तो सेम टेंजेंट फील्ड तो आंसर मेरे पास जीरो होगा तो ये मेरा फॉर्मूला है जोडेसिक्स का नाउ लेट जी बी द जोडेसिक फॉर डी अब हम लोग क्या करेंगे सिर्फ़ एक कनेक्शन डी के लिए जोडेसिक जी को लेट कर लेंगे और प्रूव कर देंगे कि यही जोडेसिक जी है वो डी बार के लिए भी है ठीक है तो लेट जी बी द जोडेसिक फॉर जी फॉर डी विद टेंजेंट फील्ड एक्स देन डी एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो ये क्या है मेरा फॉर्मूला होता है जोडेसिक का यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कब से यहाँ पे ठीक है तो अब फ्रॉम वन ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी अगर डी के लिए जोडेसिक का फॉर्मूला ये है और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है तो मैं डी की जगह पे डी बार भी लिख सकती हूँ आगे यही चीज इससे क्या पता लग रहा है कि जो जी है ये जो डेसिक है डी बार के लिए भी ठीक है जहाँ पे मेरा एक्स क्या है मेरा टेंजेंट फील्ड है एंड सेम वाइस वर्सा मतलब डी और डी बार ये गिवन था कि इक्वल है तो यहाँ पे मैंने डी के लिए फॉर्मूला मेरे पास था तो अब मैंने डी की जगह पे डी बार जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास जो जी है जो डेसिक है वो डी बार के लिए भी वही होगा जो डी के लिए तो ये चीज़ तो हमने जो डेसिक के लिए तो प्रूफ कर दी अब हमें प्रूफ करना है टॉशन टेंसर के लिए अब हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेंगे टी और टी बार दोनों ही क्या है टॉशन टेंसर्स हैं किसके डी और डी बार के ठीक है अब हम सबसे पहले टॉशन टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कनेक्शन डी के लिए तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा टॉशन टेंसर का अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी और डी बार आपस में इक्वल है तो मैं डी की जगह पे डी बार भी लिख सकती हूँ तो दोनों जगह मैंने चेंज किया अब जो टी था वो किसका टॉशन टेंसर था सिंपल टी डी का कनेक्शन का और डी बार के लिए हमने क्या कनेक्शन टॉशन टेंसर लिया था टी बार तो यहाँ पे टी बार आ गया यानी कि अब इससे क्या प्रूफ होता है कि टी और टी बार आपस में क्या हो गए सेम हो गए इट मीन्स द कनेक्शंस डी एंड डी बार हैव सेम टॉशन टेंसर तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया जिसमें ये था गिवन क्या था हमें कि मेरे कनेक्शंस हैं डी और डी बार ये आपस में इक्वल हैं और इन दोनों कनेक्शंस के पास सेम जो डेसिक होगा और सेम टॉशन टेंसर होगा ये दोनों चीज़ें हमें प्रूफ करके देनी थी जो कि प्रूफ हो गई अब हम लोग क्या करेंगे इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे कन्वर्स कन्वर्स पार्ट में हमें क्या गिवन होगा कि जो कनेक्शंस हैं डी और डी बार इन दोनों के पास सेम जो डेसिक है और सेम टॉशन टेंसर है और हमें प्रूफ क्या करके देना है कि ये कनेक्शन डी और डी बार आपस में इक्वल है तो अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं लेट द कनेक्शंस डी एंड डी बार हैव सेम जेडेसिक। ये हमें गिवन था देन एस एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू जीरो ठीक है और ये अब कैसे आए ये हम लोग अभी पिछली इक्वलेंट वाली थ्योरम में देख चुके हैं यहाँ पे मेंशन भी है बाय प्रीवियस थ्योरम तो इसमें यही था ए पार्ट में द कनेक्शंस डी एंड डी बार हैव द सेम जडेसिक ये हमें गिवन है इससे हमने क्या किया था बी पार्ट बनाया था फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा बी और सी भी आपस में इक्वलेंट है इट मीन्स ए और सी भी आपस में इक्वलेंट होंगे राइट अगर ए पार्ट बी के इक्वलेंट है बी फर्दर सी के इक्वलेंट है तो इट मीन्स ए और सी भी इक्वलेंट होंगे तो इस चीज़ से मतलब मेरे पास अब ये चीज़ आ चुकी है ये चीज़ वहाँ पे डायरेक्टली लिख दी हमने अब नेक्स्ट एंड डी एंड डी बार हैव सेम टॉशन टेंसर ये भी गिवन है हमें तो मतलब टी है वो टी बार के इक्वल हो गया डन अब नाउ सेंस मेरे पास जो डिफरेंस टेंसर है बी उसको हम लोग डीकम्पोज करते हैं मेट्रिक प्लस स्क्यूसमेट्रिक जिसमें मेरे पास स्क्यूसमेट्रिक पार्ट ये होता है अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डिफरेंस टेंसर का फॉर्मूला यही होता है हमने अप्लाई कर दिया डन अप्लाई करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे एक लाई ब्रैकेट ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर डी बार वाली वैल्यूज़ को आपस में कंबाइन करो और डी वाली वैल्यूज़ को आपस में कंबाइन करो तो डी बार के लिए टॉशन डेंसर क्या है टी बार तो ये टॉशन डेंसर के ही फॉर्मूलास बन गए दोनों तो यहाँ पे टी बार आ गया डी के लिए टॉशन टेंसर क्या था टी तो हमने यहाँ पे टी लिखा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फोर टी और टी बार क्या यहाँ पास में इक्वल है तो यहाँ पे मैं टी की जगह पे टी बार भी लिख सकती हूँ इट मीन्स सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो मेरे पास क्यूस मेट्रिक पार्ट किसके इक्वल आ गया ज़ीरो के इक्वल आ गया इसको मैंने अपनी फिफ्थ इक्वेशन ले ली अब फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ मेरे पास मेट्रिक पार्ट भी ज़ीरो है स्क्यूस मेट्रिक पार्ट भी ज़ीरो है तो इट मीन्स मेरे पास जो डिफरेंस टेंसर है वो किसके इक्वल आ गया ज़ीरो के क्यों क्योंकि डिफरेंस टेंसर को ही हम लोग स्क्यूस मेट्रिक और मेट्रिक में डीकम्पोज कर सकते थे डन यहाँ पे अब वापस से डिफरेंस टेंसर का फॉर्मूला डालो जो कि किसके इक्वल है ज़ीरो के अगर मैं डी को राइट एंड साइड पर शिफ्ट कर दूँ तो इससे अब क्या आ रहा है कि मेरे पास डी और डी बार दोनों के आगे इक्वल आ गए और यही मुझे प्रूफ करके देना था अपने कनिवर्स पार्ट में कि अगर मेरे पास कनेक्शंस डी और डी बार गिवन है और इन दोनों कनेक्शंस के लिए मेरे पास सेम जो डेसिक है और सेम टॉर्शन टेंसर है तो दोनों कनेक्शंस डी और डी बार आपस में इक्वल होंगे यही मुझे प्रूफ करना था जो कि मेरा प्रूफ हो चुका है तो अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं गिवन अ कनेक्शन डी बार ऑन एम मैनीफुल्ड एम के ऊपर हमें गिवन है कनेक्शन डी बार देयर इज़ अ यूनिक कनेक्शन डी ठीक है तो हमें ये दिखाना है कि एक यूनिक कनेक्शन डी एग्जिस्ट करेगा विच हैव द सेम एज डी बार जिसके पास सेम जेडेसिक होगा डी बार की तरह और जीरो जीरो भी होगा हमें ये प्रूफ करके देना है कि एक कनेक्शन है डी बार जो कि गिवन है मैनीफुल एम के पर हमारे पास एक और कनेक्शन डी एग्जिस्ट करेगा जो कि यूनिक होगा और डी और डी बार दोनों के पास सेम जुडेसिक होगा और सेम ज़ीरो टॉशन होगा ये हमें प्रूफ करके देना है तो अब इसका प्रूफ हम लोग क्या करेंगे डिफाइन करेंगे डी को तो हम लोग क्या करेंगे ये डी लेंगे जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे इस तरीके से आप ये समझ लो कि डी का ये फॉर्मूला गिवन है हमारे पास ये ठीक है इक्वेशन वन तो अब हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करके देना है कि डी कोई कनेक्शन है हमें ये शो करना है यूनिकनेस तो बाद की बात है सबसे पहले तो हमें ये दिखाना होगा कि डी एक कनेक्शन है तो मतलब अब कनेक्शन शो करना इट मीन्स कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ लगेंगी सारी की सारी तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोग कौन सी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स वन प्लस एक्स टू के साथ और ये चीज़ हमें शो करके देनी है ओके तो एक्स वन प्लस एक्स टू तो इट मींस यहाँ पे ये डी का फॉर्मूला है तो इसमें वैल्यू सब सब्सिट्यूट करेंगे एक्स की दो जगह पर चेंज हो जाएगी तो अगर हम लोग इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो एक्स एक यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है और एक यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है तो सब्सटीट्यूट कर दो अब इसके ऊपर कनेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी कि अगर एक्स वन प्लस एक्स टू गिवन है तो हम लोग उसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया अब हमें मालूम है कि जो टॉशन टेंसर होता है ये वो होता है बाइलिनियर होता है तो इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं एक्स स्लॉट के अंदर तो ये ऐसे आ गया अब एक्स वन वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लो और एक्स टू वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लो अब वापस से यही वाला फॉर्मुला बन गया ठीक है ये बन गया एक्स वन की टर्म्स में तो यहाँ पे एक्स वन आ जाएगा ये बन गया एक्स टू की टर्म्स में तो यहाँ पे एक्स टू आ जाएगा और ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूफ अब सेकेंड पार्ट पे अब सेकेंड पार्ट में भी क्या करेंगे हम लोग इसको और इसको कंपेयर करो तो वाई रिप्लेस हुआ है वाई वन प्लस वाई टू के साथ तो राइट हैंड साइड पर भी वाई दो जगह पर है तो वो रिप्लेस हो जाएगा इस तरीके से डन अब इसको ब्रेक कर लो ब्रेक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे अब कनेक्शन की फ़र्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई कि अगर इस तरीके से कुछ गिवन है वाई वन प्लस वाई टू तो हम लोग उसको रिप्लेस कर करके इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं तो ये चीज़ आ गई डन और हमें मालूम है कि टॉशन टेंसर है जो वो वाई स्लॉट में भी बायलिने होता है तो हम लोग इसको फिर से दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे एक्स वन वाली वैल्यू को एक साथ कर लो एक्स टू वाली वैल्यू को एक साथ कर लो अब वापस से यही वाला फॉर्मूला बन गया ये बन गया वाई की जगह पे वाई वन की टर्म्स में तो यहाँ पे वाई वन आ जाएगा ये हो गया वाई टू की टर्म्स में तो यहाँ पे हम लोग वाई टू लिख देंगे तो ये चीज़ ही शो करनी थी और जिससे मेरा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया अब थर्ड पार्ट में आ जाओ जिसमें जो एफ है वो क्या है एक फंक्शन गिवन है ठीक है तो अब कंपेयर करो यहाँ पे क्या डी एफ एक्स वाई और यहाँ पे क्या डी एक्स वाई मतलब एक्स की जगह पे अब क्या गिवन है एफ एक्स गिवन है तो राइट हैंड साइड पे भी एक्स की जगह पे दो जगह पे आ जाएगा एफ एक्स तो मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे डन अब यहाँ पे फिर कनेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करो कनेक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी यही सेम चीज़ है एफ़ बाहर आ जाएगा और डी एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर आ गई वैल्यू यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लग गया टॉशन टेंसर का फॉर्मूला तो जब हम लोगों ने टॉशन टेंसर की प्रॉपर्टीज़ की थी उसमें फिफ्थ पार्ट था जिसमें हमें ये चीज़ गिवन थी हमें ये बनानी थी हमने इसको तीन पार्ट में ब्रेक करके किया था ठीक है तो उसमें हमने किया था कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो राइट हैंड साइड कुछ ऐसा आएगा इट मीन्स अगर एक्स की जगह पे एफ एक्स है तो एफ़ बाहर आ जाएगा सिमिलरली हमने वाई स्लॉट के लिए भी यही चीज़ प्रूफ की थी कि अगर वाई की जगह पे एफ़ वाई है तो बाहर आ जाएगा एफ़ तो अब यही दोनों रिजल्ट हम लोगों ने वहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर रखे हैं यहाँ पे मेरे पास एक्स स्लॉट में एफ़ एक्स था तो मैंने यहाँ पे एफ़ बाहर निकाल लिया तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई अब दोनों टर्म्स में एफ़ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाला और ब्रैकेट में पीछे ये टर्म बची जो कि वापस से क्या है फॉर्मूला बन रहा है यही वाला तो सेम मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूट कर दी तो इस तरीके से मेरा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया अब हम लोग फोर्थ पार्ट देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या है डी एक्स एफ वाई तो अगर इसको और इसको कंपेयर करो तो सिर्फ वाई की वैल्यू चेंज है वाई की जगह पे क्या है एफ़ वाई तो राइट हैंड साइड पे भी वाई दो जगह पे है हम लोग इसको चेंज कर देंगे एफ़ वाई से तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई अब फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कनेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी अगर लेफ्ट हैंड साइड ये है तो वो ब्रेक हो गए इस तरीके से लिखी जा सकती है यही की है आ गई ये दोनों वैल्यूज और ये टर्म अब वही चीज आ गई दोबारा से रिजल्ट सेम लग जाएगा अगर वाई स्लॉट में एफ वाई है तो एफ बाहर आ गया डन तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज अब इन दोनों टर्म्स में से एफ कॉमन आ रहा है तो एफ कॉमन निकाला और ब्रैकेट में ये चीज बची जो कि वापस से किसका फॉर्मूला है डी का फॉर्मूला है यही वाला और ये किसके इक्वल है इसके तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटिट्यूट हो गई अब चारों प्रॉपर्टीज वेरीफाई होगी जिससे हमें ये पता लग गया कि मेरे पास डी क्या है एक कनेक्शन गिवन है तो अब हमने ये तो शो कर दिया कि डी मेरे पास कनेक्शन है अब नेक्स्ट हमें क्या शो करना है कि जो मेरे पास कनेक्शन डी है उसके पास सेम जो डेसिक होगा डी बार के जैसा ही इसके पास ज़ीरो टॉर्शन भी होगा और ये डी कनेक्शन मेरा यूनिक भी होगा अब तीन चीज़ें इंप्रूव करके देनी है तो अब नेक्स्ट चलते हैं सिंस वी नो दैट डिफरेंस टेंसर का फॉर्मूला ये होता है ठीक है अब डी एक्स वाई इसकी वैल्यू क्या है ये हम लोग इक्वेशन वन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे आ गया अब ब्रैकेट ओपन की ही तो ये दोनों वैल्यूज़ के आपस में सेम हो रही हैं तो कैंसिल हो जाएंगी मतलब मेरे पास डिफरेंस टेंसर किसके इक्वल आ गया इसके इसको हमने इक्वेशन टू ले लिया अब डिफरेंस टेंसर आगे किसका पार्ट होता है इस मेट्रिक प्लस स्क्यू स्मेट्रिक जिसमें स्क्यूस मेट्रिक की वैल्यू ये होती है अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो ठीक है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी तो ये आ गई अब हाफ है हाफ को कॉमन निकाला तो यहाँ पे वन बाई फोर हो गया अब जो मेरे पास टॉशन टेंसर होता है ये एक्सक्यूसमीट्रिक होता है यानी कि एक्स और वाई को अगर इंटरचेंज करना है तो एक नेगेटिव बाहर आएगा डन तो यहाँ पे प्लस आ गया अब ये दोनों क्या सेम टर्म्स हैं ऐड हो रही हैं तो यहाँ पे टू आ जाएगा टू और फोर विल बिकम वन बाई टू ओनली तो मेरे पास इक्वेशन थ्री आ गई अब मेरे पास डिफरेंस टेंसर किसका सम होता है स्क्यूसमीट्रिक और स्क्यूस्मेट्रेक और स्मेट्रिक अब इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये चीज़ आ जाएगी अब मेरे पास बी का सोल्यूशन ये है और स्क्यूसमीट्रिक पार्ट की वैल्यू ये है अब बी और ए दोनों की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर अब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया तो ये दोनों तो सेम हो गई इट मीन जीरो क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो मतलब सिमेट्रिक पार्ट मेरे पास क्या आ गया जीरो आ गया जिससे ये इम्प्लाई हो गया कि डी और डी बार दोनों के पास क्या है सेम जो डेसिक है अब हमें ज़ीरो टॉशन के लिए प्रूव करके देना है स्क्यू स्मेट्रिक पोर्शन है जो वो टॉशन डेंसर के टर्म्स में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं अब टॉशन डेंसर स्क्यू सिमेट्रिक है तो अगर मुझे वाई और एक्स को चेंज करना है तो एक नेगेटिव बाहर आएगा जिसकी वजह से ये प्लस हो गया अब टी बार है वो किसके इक्वल होता है माइनस टी के माइनस टी यानी कि टी बार और टी दोनों आपस में इक्वल नहीं है हमने ये सब सब्सिट्यूट किया और टू को हम लोगों ने इधर शिफ्ट किया तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई ओके अब ये टर्म है और ये टर्म है हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे इनको आपस में तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी अब ए की वैल्यू हमने पीछे निकाली है अभी ये हम लोग वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे टू और टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास क्या आ जाएगी ये चीज़ जीरो आ जाएगी और ये ज़ीरो कैसे आई क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या है आपस में इक्वल हैं तो ये ज़ीरो आ गई जिससे ये प्रूव हो गया कि डी के डी के पास क्या है जीरो टॉशन है अब हमें यूनिकनेस पार्ट प्रूफ करके देना है जिसमें अब हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे कि डी डैश कोई एक और कनेक्शन है मेरे पास जिसके पास सेम जुडेसिक और सेम जीरो टॉशन है डी बार की तरह और हमने अभी प्रूफ किया कि जो डी कनेक्शन है उसके पास भी सेम डेसिक है और ज़ीरो टॉशन है डी बार की तरह इट मीन डी और डी डैश ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए क्यों क्योंकि दोनों के पास ही सेम डेसिक है और सेम जीरो टॉशन है डी बार की तरह अब हमें मालूम है हमने पिछली थ्योरम की है कि अगर मेरे पास कोई भी दो कनेक्शंस डी और डी बार तभी इक्वल होंगे अगर इनके पास सेम जो डेसिक और सेम टॉशन टेंसर होगा हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि सेम है दोनों चीज़ें तो इट मीन्स दोनों कनेक्शंस भी आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए इट मीन्स डी और डी डैश भी आपस में इक्वल है अब अगर ये इक्वल है तो इट मीन डी क्या है मेरे पास यूनिक है जो कि प्रूफ करना था हमें और ये हमने प्रूफ कर दिया तो मतलब अब मेरी ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गई